फरवरी 2022 में ट्रैक्टर दिलाने के बहाने शातिरों द्वारा मूंगफली का काम करने वाले व्यक्ति से धनौरा जाटान के नजदीक 6 लोगों द्वारा नकदी 3,40,000 रुपए छीन लिए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले का पर्दाफाश करते हुए CIA एक पुलिस टीम ने छठे आरोपी को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी ली है। आरोपी करनाल का रहने वाला है। आरोपियों के कब्जे से 2,86,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। गौरतलब है कि बीती 14 फरवरी को थाना लाडवा में रामकिशोर निवासी खुरदत्ता चोली मुकिमपुर उत्तर प्रदेश ने शिकायत की थी कि उसके पास गौरव नामक युवक आता था। उससे उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसने उसे ट्रैक्टर दिलाने की बात कही थी। उस पर विश्वास कर नकदी 3,40,000 रुपए लेकर वह इसके साथ चल दिया। जब गांव धनौरा जाटान के नजदीक पहुंचे तो इसी दौरान अन्य व्यक्ति आ पहुंचे और वारदात को अंजाम देते हुए उससे नकदी छीन ली। मौके से वाहन में सवार होकर वे फरार हो गए। लाडवा थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने जांच CIA 1 को सौंपी थी। प्रभारी दिनेश चौहान की टीम ने कार्रवाई करते हुए पहले 5 आरोपी विक्रम रविंदर कुलदीप निवासी गुड्डा, तरुण निवासी फलझंडा जाटान, गौरव वासी नगल धडोली जिला अंबाला को गिरफ्तार कर नकदी को बरामद किया था। छठे आरोपी को पकड़ने के लिए ASI सुधीर, हेड कांस्टेबल रणदीप, अनिरुद्ध, प्रवीण आदि की टीम छापामारी कर रही थी। पुख्ता जानकारी मिलते ही इसे भी पकड़ लिया गया। पुलिस की पूछताछ पर अपना नाम गौरव पुत्र ऋषिपाल वासी रामनगर करनाल बताया। आरोपी ने माना कि पहले पकड़े जा चुके पांचों के साथ मिलकर योजना बनाकर उसने नकदी लूटी थी। आरोपी के कब्जे से लूट की नकदी को भी बरामद किया गया। छठे आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जिसे जेल भेज दिया गया। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।